हेलो अगेन, दिस इज कुणाल फ्रॉम टॉपर्स पॉइंट एक्यूमेन एकेडमी और ये वीडियो हमारी एनपीओ सीरीज की फोर्थ वीडियो है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एनपीओ सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स के साथ रिलेटेड। बिल्कुल सब्सक्रिप्शन की ही तरह रिसेट एंड पेमेंट में कोई भी खर्चा जो है, जैसे कि सपोज सैलरी हमें 3 साल की पेमेंट दी हुई हो सकती है, हम इस साल के अंदर करंट ईयर में या तो पिछले साल के लिए कुछ सैलरी पे कर रहे होंगे, कुछ करंट ईयर की होंगी और हो सकता है कुछ हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी पे कर रहे हैं। बट जब हम इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करेंगे तो हमें जो है ना पिछले साल की देखनी है, ना करंट ईयर की, ना नेक्स्ट ईयर की, बल्कि टोटल अमाउंट। बाद में हम उसे फिल्टर करके जो है करंट ईयर की सैलरीज का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी हमारे पास सैलरी हमने पे की है पेमेंट्स में, वो टोटल अमाउंट एज इट इज एक्सपेंडिचर्स में हम दिखा देंगे 2 सैलरीज करके। एंड देन हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है सैलरीज ऑफ प्रीवियस ईयर पेड इन करंट ईयर। हमने पिछले साल की सैलरीज इस साल पे की है। फिर से 2 कॉन्सेप्ट है, पेमेंट कब हुई है और खर्चा कौन से साल का है। पेमेंट हमने इस साल की है, ए अमाउंट हम चेक कर सकते हैं। देखिए पेमेंट के अंदर 2019 के लिए हमने ए अमाउंट पे किया हुआ है। ये खर्चा किस साल का है, क्या ये खर्चा इस साल का है या लास्ट ईयर का था। खर्चा ये हमारा लास्ट ईयर का था, दैट मीन्स ये इस साल के एक्सपेंडिचर में एडेड नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या कर देंगे, माइनस। ऑन दी अदर हैंड ये अमाउंट पिछले साल अनपेड था, तो ये पिछले साल की लाइबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से आया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट इज सैलरीज ऑफ करेंट ईयर पेड एंड प्रीवियस ईयर। हमारे इस साल की कुछ सैलरी हमने पिछले ही साल ऑलरेडी पे कर दी थी, दैट मीन्स पिछले साल वो प्रीपेड सैलरी थी, बी अमाउंट। खर्चा ये है इस साल का, पेमेंट हुई थी पिछले साल, यानी कि इस टोटल अमाउंट की जो पेमेंट हुई है उसके अंदर ये वाला अमाउंट एडेड नहीं है। बट सिंस ये करेंट ईयर का एक्सपेंस है तो इसे टोटल अमाउंट के अंदर एड कर दिया जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट इज प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर। जो हमने इस साल कुछ पेमेंट किए हैं अगले साल के लिए, वो प्रीपेड ऑफ करेंट ईयर कह लीजिए या फिर प्रीपेड फॉर नेक्स्ट ईयर कह लीजिए, तो ये हमारी इस साल की असेट्स में आ जाएंगी, प्रीपेड सैलरीज, सी अमाउंट। अब ये खर्चा जो है वो आने वाले साल के लिए है, बट पेमेंट इस साल हुई है, तो ये अमाउंट जो है सी अमाउंट इस टोटल अमाउंट में ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि टोटल जो है वो ए करेंट ईयर की प्लस सी अमाउंट का टोटल है। बट खर्चा सिंस ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसे इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना चाहिए, तो सी अमाउंट जो है यहां से हो जाएगा माइनस। लास्ट स्टेटमेंट है आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर, यानी कि वो हमारे लिए इस साल की लाइबिलिटीज है, यानी कि डी अमाउंट। खर्चा ये इस साल का है बट अभी तक पे नहीं हुआ, तो अगर पे नहीं हुआ तो इस टोटल अमाउंट के अंदर ये अमाउंट एडेड नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड। ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव एंड डी पॉजिटिव करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगा ये हमारा करंट ईयर का खर्चा है सैलरीज के नाम का। सो ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट की से अगर हम लेफ्ट से राइट पे अगर हम सर्कल क्रिएट करते हैं तो पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव था, और आज एक्सपेंडिचर्स के अंदर बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट यूज होता है, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। लेट अस टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हमें क्वेश्चन में रिसेट इन पेमेंट अकाउंट गिवन है 2020 का, जिसके अंदर पिछले साल की सैलरीज पेड है 9000, करंट ईयर की 40 है और अगले साल के लिए 6000 की पेमेंट हुई है, दैट मींस हमने टोटल अमाउंट जो इस साल पे किया है वो है 55000। केस नंबर 1, अगर कोई भी एडजस्टमेंट ना दी हुई हो तो हमें 3 चीजें बनानी है फिर से, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड देन बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर। सबसे पहले हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं रिसेट एंड पेमेंट अकाउंट से। हमने 2019 की सैलरी 9000 रुपए की इस साल पे की है, यानी कि ये अमाउंट पिछले साल अनपेड था, दैट मींस ये पिछले साल की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से। देन 2021 के लिए हमने 6000 रुपए इस साल पे किए हैं, दैट मींस ये हमारे लिए करंट ईयर में प्रीपेड सैलरीज है, जो कि हम असेट्स में दिखा देंगे करंट ईयर बैलेंस शीट के अंदर। एंड देन माइनस प्लस जब हम यूज करेंगे तो टोटल अमाउंट था 55000 जो हम दिखाएंगे, उसमें से 9000 नेगेटिव हो रहे हैं एंड 6000 नेगेटिव हो रहे हैं, तो करंट ईयर का हमारा एक्सपेंस जो है सैलरीज का वो आ जाएगा हमारे पास 40000।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, हमें एडजस्टमेंट में गिवन है सैलरी पेड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर 5,000 रुपए। हमने पिछले साल कुछ सैलरी पे की थी 5,000 रुपए की इस साल के लिए, दैट मीन्स ये अमाउंट पिछले साल की बैलेंस शीट में प्रीपेड में जाना चाहिए। तो जब हम फिर से इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर और बैलेंस शीट ऑफ करेंट ईयर बनाएंगे, तो 5,000 रुपए का अमाउंट पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाया जाएगा प्रीपेड सैलरीज के नाम से। इसके अलावा रिसिट एंड पेमेंट में गिवन है हमने लास्ट ईयर के 9,000 इस साल दिए हैं, तो इस साल जो है वो पिछले साल की सॉरी लायबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और 6,000 हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए हैं तो वो प्रीपेड सैलरीज करेंट ईयर में आ जाएंगे। देन अगेन हम माइनस प्लस जब यूज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55,000 जो कि टोटल सैलरीज पेड थी, लेस 9,000 प्लस 5,000 एंड लेस 6,000, यानी कि हमारा करेंट ईयर का जो खर्चा है वो आ जाएगा 45,000। केस नंबर 3, एडजस्टमेंट हमें गिवन है सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 5,000 ऑन करेंट ईयर, इस साल 5,000 रुपए की सैलरी अभी भी पे करनी बाकी है, यानी के वो करेंट ईयर बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में आ जाएगी किस नाम से, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसके अलावा रिसेट इन पेमेंट अकाउंट में हमने देखा है कि 9,000 जो है पिछले साल के लिए हमने पे किए हैं वो अगेन पिछले साल के लिए हमारी लायबिलिटी थी, और हमने 6,000 नेक्स्ट ईयर के लिए पे किए हैं तो वो हमारी करेंट ईयर में असेट्स आ जाएंगी प्रीपेड सैलरीज। देन वी विल यूज माइनस प्लस अगेन, तो आंसर आ जाएगा 55,000 माइनस 9 प्लस 0 माइनस 6 एंड प्लस 5, टोटल इज 45,000। तो ये हमारा इस साल का एक्सपेंस है 45,000। एडजस्टमेंट नंबर 4, सैलरीज आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल 10,000 रुपए। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, सिंस आपने अगर क्वेश्चन हमें याद है कि हमने देखा था रिसेट एंड पेमेंट में हमने इस साल 9,000 रुपए पे किए हैं पिछले साल के लिए, बट क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि पिछले साल जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो था 10,000 रुपए। अगेन हम अपनी तीनों चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर और दोनों साल की बैलेंस शीट। सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट दिखा दिया 55,000 की जो सैलरी पेड है। अब एडजस्टमेंट में हमें गिवन है कि पिछले साल टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 10,000 रुपए। इन 10 में से 9,000 हमने इस साल पे कर दिए, क्योंकि पेमेंट में पिछले साल 2019 के लिए 9,000 अमाउंट था, दैट मींस हमने इस साल पिछले साल की 9,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी को पे की है, यानी अभी भी हमें पिछले साल के लिए 1,000 रुपए देने बाकी हैं, तो वो हमारे लिए करेंट ईयर की भी लायबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग सैलरीज में रिकॉर्ड हो जाएगा 1,000। 6,000 प्रीपेड एज इट इज यूज हो जाएगा, देन वी विल यूज माइनस प्लस, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 40,000। केस नंबर 5, एडजस्टमेंट हमें गिवन है सैलरी स्टिल पे एबल फॉर 2019 5,000, हमें आज भी पिछले साल के लिए 5,000 रुपए देने बाकी हैं, यानी कि ये 5,000 रुपए हमारे लिए आज यानी कि इस साल की लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। सो करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगी 5,000। हमने पेमेंट में इस साल पिछले साल के लिए 9 दिए हैं और उसके अलावा हमें अभी भी 5 देने हैं, दैट मींस पिछले साल जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो 14,000 रहा होगा, तभी 14,000 में से जब हमने 9 पे कर दिए तो अभी भी हमें 5,000 देने बाकी हैं। इसके अलावा प्रीपेड सैलरीज अपनी जगह एज यूजुअल आ जाएंगी 6,000 की, देन जब हम टोटल अमाउंट में नेगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 40,000। केस नंबर 6, हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं, पिछले साल और इस साल दोनों की ऑन अमाउंट गिवन है हमें आउटस्टैंडिंग के। ऑन का मतलब टोटल अमाउंट होता है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, यानी कि पिछले साल टोटल 11,000 रुपए देने थे और इस साल टोटल 12,000 रुपए देने हैं, तो हम जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे सबसे पहले पिछले साल आप टोटल अमाउंट दिखा दीजिए आउटस्टैंडिंग का 11,000 और इस साल दिखा दीजिए 12,000। हमें डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमें ऑन अमाउंट्स गिवन है तो हम हमेशा आउटर कॉलम में ही दिखाते हैं।
बट अगर हमें समझना हो कि ये अमाउंट कैसे बाइफरकेट हुए हैं, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग 11 था, हमने 9 इस साल दे दिया है, यानी कि अभी भी पिछले साल के 2000 देने बाकी हैं। तो इन 12000 में से 2000 रुपये पिछले साल के हैं और बाकी के जो बैलेंस 10000 होंगे वो करंट ईयर के होंगे, जिस वजह से टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 बना है 12000। प्रीपेड सैलरीज हमें एज इट इज अपनी हमारी करंट ईयर के एसेट्स में आ जाएंगी 6000 रुपये, फिर माइनस प्लस जब हम करेंगे तो करंट ईयर की टोटल एक्सपेंस आ जाएगा 50000। केस नंबर 7, हमें सैलरीज गिवन है फॉर और फॉर के लैंग्वेज में, यानी दोनों इनर कॉलम की वर्किंग्स हैं। अब हमें जो है ये गिवन है कि इस साल यानी 2020 के एंड पे हमें 2020 के 5000 लेने हैं और 2019 के 4000 लेने हैं, यानी कि करंट ईयर के एंड पे हमें टोटल कितना अमाउंट लेना है 9000, जिसमें से 4 पिछले साल का है और 5000 करंट ईयर का है। अब पेमेंट में हमने 9000 रुपए दिखाए हुए हैं पिछले साल की सैलरी के और 4 हमें अभी भी देने हैं, दैट मींस पिछले साल जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो रहा होगा 13000 रुपए। तभी इन 13 में से जब हमने 9000 पेमेंट कर दी तो अभी भी कितने पेमेंट करनी बाकी है 4, इसके अलावा 5 करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल अमाउंट जो इस साल में हमें पे करना बाकी है वो हो गया 9000। प्रीपेड सैलरीज अपनी जगह वापस आ जाएंगी और जब हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 45000। एज टोटल अमाउंट पेड वॉज 55000, जिसमें से पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो 13 है, फिर प्रीपेड जो है नेक्स्ट ईयर के लिए वो 6000 है और आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 9 है, तो 55 माइनस 13 माइनस 6 और प्लस 9 इज 45000। मूविंग ऑन केस नंबर 8, एडजस्टमेंट हमें गिवन है कि इस साल के एंड पे टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है ऑन अमाउंट, इस साल टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 10000 का और अभी भी पिछले साल के लिए हमें देने बाकी है 4000। सो टोटल अमाउंट इस साल के एंड पे हमने देना है 10, जिसमें से 4 पिछले साल के लिए है। बैलेंस शीट पे आते हैं, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर के अंदर आ गया हमारे पास 10000, इसमें से 4 पिछले साल के लिए हैं और 9 हमने पेमेंट में इस साल पिछले साल की कर दी हैं, सो टोटल अमाउंट जो हमारा आउटस्टैंडिंग रहा होगा लास्ट ईयर वो था 13000। प्रीपेड्स अपनी जगह पे वापस एज इट इज आ जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 55 माइनस 13 देन माइनस 6 एंड प्लस 10000, यानी के 49000। केस नंबर 9, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5000 है और पिछले साल जो है टोटल आउटस्टैंडिंग थे 13000 रुपए। अब यहाँ पे फॉर करंट ईयर में आ गया है और ऑन प्रीवियस ईयर के अंदर आ गया है। बैलेंस शीट्स की तरफ अगर हम मूव करें तो सबसे पहले पिछले साल टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग था वो था 13। इन 13000 में से 9000 हमने इस साल पे कर दिए थे पेमेंट्स के अंदर, यानी कि अभी भी पिछले साल के देने थे 4000 और 2020 के लिए 5000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 4000 अभी भी पिछले साल 2019 के लिए देने हैं और 5000 करंट ईयर के लिए देने हैं, दैट मींस टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 आ जाएगा 9000। प्रीपेड सैलरीज अपनी जगह वापस आ जाएंगी 6000 एंड देन टोटल अमाउंट में से माइनस 13 माइनस 6 एंड प्लस 9 टोटल जो हमारे पास इस साल का खर्चा आ गया वो आ गया 45000। लास्ट केस, हमारे पास एडजस्टमेंट है, दोनों की दोनों वैल्यूज 2020 के लिए गिवन है, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर में वो है 10000, तो हमने टोटल अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में दिखा दिया 10। अब हमें पता है कि 10 में से 5 जो है इस साल के लिए है आउटस्टैंडिंग, 10 में से 5 इस साल के आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो बाकी के रिमेनिंग 5 होंगे वो पिछले साल के लिए आउटस्टैंडिंग है। अब हमने 9000 इस साल ऑलरेडी पेमेंट कर दी है पिछले साल की और 5 अभी भी देने बाकी हैं, दैट मींस पिछले साल जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा वो रहा होगा 14000। प्रीपेड अगेन अपनी जगह आ गए और जब हम माइनस प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 45000। सो ये था ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन